अंगों में किसी के प्यार में शो से शक्ति अरोरा की एग्जिट पर फाइनली भंवर पाटिल का आया बड़ा रिएक्शन। करणवीर वोरा ने बोली ये बड़ी बात, शो को लेकर दिया शॉकिंग रिएक्शन। तो इस वीडियो को कीजिए मैक्सिमम लाइक और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा टीवी का। भंवर पाटिल का कैरेक्टर निभाने वाले करणवीर वोरा जो कि शो में नई एंट्री मारी है, अब करणवीर वोरा का आ चुका है शक्ति अरोरा के एग्जिट पर रिएक्शन। दरअसल करणवीर वोरा ने जिस तरीके से कैरेक्टर भाई जिस तरीके से शो में एंट्री मारी है और शक्ति अरोरा इनसिक्योर हो गए हैं करणवीर वोरा के आते ही। दरअसल शो में लीप आने से पहले करणवीर वोरा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शो में कौन रहेगा, कौन जाएगा, किस एक्टर की एंट्री होगी, किस एक्टर का एग्जिट होगा, ये सब डिसाइड हम नहीं करते हैं और ये सब डिसाइड प्रोडक्शन टीम करती है और स्टोरी लाइन करती है। शक्ति अरोरा के साथ भी मेरी बॉन्डिंग उतनी ही अच्छी है जैसा कि भाविका शर्मा के साथ है। मैं शो में जब आया था तो सबसे पहले मैं भाविका शर्मा के साथ मैंने एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा बॉन्ड शेयर किया है। यहाँ पर पूरी टीम और पूरी यूनिट का मैं शुक्रगुजार हूँ, मुझे एक फैमिलियर एटमॉस्फेयर देखने को मिला है। करणवीर वोरा ने कहा कि शक्ति के कैरेक्टर को लोगों ने इतना पसंद किया है तो मैं कौन होता हूँ इस कैरेक्टर को ख़त्म करने वाला। लेकिन ये तो भंवर पाटिल की कैरेक्टर की डिमांड है और ईशान के कैरेक्टर की डिमांड है कि अब ईशान की मौत हो रही है और शक्ति अरोरा के शो से एग्जिट हो रही है। मैं शक्ति को हमेशा याद रखूँगा। शक्ति अरोरा बहुत ही अच्छे एक्टर होने के साथ साथ बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं और भाविका शर्मा, शक्ति अरोरा और इसके साथ साथ शो के सारे क्रू मेंबर, सेट पर जितने भी लोग हैं उनका एटमॉस्फेयर और नेचर बहुत ही मुझे प्यारा लगा है। शक्ति के एग्जिट की बात जब मैंने सुनी तो मुझे भी बहुत बड़ा झटका लगा, लेकिन ये स्टोरी की डिमांड थी। मेकर्स को लीप लाने के लिए कुछ बड़े फैसले लेने होते हैं तो ये एक स्ट्रांग फैसला था जो मेकर्स ने लिया है। हालांकि करणवीर वोरा ने कहा कि सभी के साथ करणवीर वोरा की जो बॉन्डिंग है वो आगे इन द नियर फ्यूचर और भी ज़्यादा रॉन्ग होगी। और शक्ति अरोरा की एग्जिट पर करणवीर वोरा ने कहा कि जब एज एन एक्टर आप किसी शो में आते हो तो जाहिर सी बात है आपका शो से जाना भी निश्चित होता है, लेकिन मुझे इस बात को लेकर भी थोड़ा सा दुख है कि ईशान के कैरेक्टर जो कि इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है फिलहाल उस कैरेक्टर को ख़त्म किया जा रहा है, जिससे बहुत सारे फैंस जो हैं वो डिसअपॉइंटेड भी हो सकते हैं। वेल, करणवीर वोरा की इस बयान पर आपका क्या है ओपिनियन? क्या आप भी मानते हो कि शक्ति अरोरा के कैरेक्टर को अभी और भी आगे ज़िंदा रखना चाहिए, या फिर आप मानते हो कि ये वो वक्त आ चुका है कि ईशान के कैरेक्टर को ख़त्म कर दिया जाए और भंवर पाटिल के कैरेक्टर को इन द नियर फ्यूचर और भी ज़्यादा बड़ा किया जाना चाहिए? मैं जानना चाहूँगा आप सभी का ओपिनियन कमेंट बॉक्स में। और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।